हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करेंगे रिट सी टेट साइंस एग्ज़ाम। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। आज का टॉपिक रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टूडेंट, जितने भी मैंने क्वेश्चन शामिल किए हैं, आज लगभग 50 क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं SSC एग्जाम के क्वेश्चन है। तो SSC के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड कफ बहुत ही बढ़िया होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन शामिल किए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा होता है? ऑप्शन फर्स्ट लसिकाणु, सेकंड दे रखा है एक केंद्रकाणु मोनोसाइट, थर्ड बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट और चौथा दे रखा है रक्ताणु, जिसे एरिथ्रोसाइट या लाल रुधिर कणिका कहते हैं। तो इन चारों में से बताइए कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, अगर आप बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक केंद्रकाणु या जो मोनोसाइट होते हैं, वह सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? फर्स्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनोग, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल और रोनाल्ड रॉस। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से बताइए कौन है। बिल्कुल सही, वह विलियम हार्वे, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, एड्स के जो विषाणु होते हैं ना, वह किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रोफिल, सेकंड बेसोफिल, थर्ड लिम्फोसाइट और फोर्थ दे रखा है मोनोसाइट। तो चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही होगा इसका, लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। टी लिम्फोसाइट्स होती है, उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएँ कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? ऑप्शन फर्स्ट श्वेत कोशिकाएँ, सेकेंड एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, थर्ड न्यूट्रोफिल और चौथा लसिका कोशिकाएं। तो बताइए कौन सी होगी वह चार ऑप्शन में से। बिल्कुल सही, अगर आप डी बता रहे हैं लसिका कोशिकाएं, तो सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है? मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, जीभ और हृदय। मेरे ख्याल से सबको आता होगा ऑप्शन डी, यानी हार्ट या हृदय सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, 55 नंबर, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम, दोबारा रिपीट हो गया, हृदय होगा। अगला देखिए, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? फर्स्ट ऑप्शन पलिया, सेकंड यकृत, थर्ड आमाशय और चौथा दे रखा है अस्थि मज्जा। तो ये कहाँ पर होती है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। यह होती है पलिया भाग में, ए ऑप्शन सही होगा, पलिया भाग में नष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? श्वेत रुधिराणु लसिकाणु, यानी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो इनमें से कौन सा होगा, होगा मोनोसाइट। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है, जरूर से याद रखना। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु मोनोसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु मोनोसाइट। अगला देखिए, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को लेकर जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे? यकृत धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय सिरा या वृक्क धमनी। तो उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो अपन देखते हैं कि जो फुफ्फुसीय सिरा होती है, वह क्या करती है, फेफड़े से हृदय को, हृदय के लिए रक्त को लेकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय वंचित है हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से या चिकनी पेशी से। तो हृदय में हृदय पेशियां भी होती है, अनैच्छिक पेशियां भी होती है और चिकनी पेशियां भी होती है। तो वंचित यानी क्या नहीं होती, इसमें ऐच्छिक पेशियां नहीं होती, इनसे वंचित होता है, सी ऑप्शन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर करना दोस्तों पूरा होने के पश्चात। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? ऑप्शन फर्स्ट सक्रिय परिवहन, सेकंड विसरण, थर्ड विसरण सक्रिय परिवहन और चौथा दे रखा है परासरण। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें होगा विसरण प्रक्रिया जो है वह सही होगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक जो कोलाइड होता है
प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? इक्षु शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड या यूरिया? तो प्राकृतिक जो कोलाइड है वह कौन सा है इनमें से, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। रक्त जो है वह एक नेचुरल क्लोराइड है, प्राकृतिक क्लोराइड। रिसर्पीन का प्रयोग करते हैं 163, तो रिसर्पीन का जो प्रयोग करते हैं वह किसमें करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, उच्च रक्तचाप को कम करने में, कम रक्तचाप को बढ़ाने में, दर्द कम करने में या आर्थराइटिस की चिकित्सा में। तो ये किसके अंदर करते हैं? उच्च रक्तचाप को कम करने में करते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 164, रक्त के थक्के जमने का क्या कारण होता है? थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, पेक्टिन या सभी? तो रक्त का जो थक्का जमता है ना उसका मुख्य कारण क्या माना गया है? थ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है, थ्रोम्बिन। वह अपन मानते हैं कि रक्त का थक्का जमने में क्या होती है? सहायक होती है। अब अपने शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनता है, तो अंदर तो अपन देखते हैं कि कौन पाया जाता है? प्रतिस्कंदक हिपेरिन पाया जाता है, तो रक्त स्कंदन को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स? तो इनमें से कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, सी ऑप्शन, लिम्फोसाइट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर स्कंदक निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? रुधिर स्कंदन फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन या ग्लोबुलिन? तो रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है, तो जल्दी से बताइए। रुधिर स्कंदन के लिए जिम्मेदार प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है वह रुधिर स्कंदन में अपन कहते हैं सहायक होती है, बी ऑप्शन सही होगा। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ए, बी, एफ, के? तो इनमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूमेटिक हृदय रोग इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्प्रिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेथिलडोपा या पेनिसिलिन? तो रूमेटिक हृदय रोग का इलाज जो किया जाता है वह अपन देखते हैं मुख्य रूप से एस्प्रिन के इलाज से किया जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फर्स्ट, ध्वनि का व्यतिकरण, सेकंड, ध्वनि का परावर्तन, थर्ड, ध्वनि अपवर्तन और चौथा, ध्वनि का अध्यारोपण। तो किस सिद्धांत पर करता है वह? ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 170 नंबर, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निंद्रा और साथ में किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इसमें। फर्स्ट दे रखा है उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना होता है, सेकंड, कैरम, शतरंज और ताश जैसे खेलने होते हैं, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है और बैठे रहने वाला काम करना होता है। तो चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी बताइए। कि स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? संतुलित आहार, पर्याप्त निंद्रा और साथ में क्या करना चाहिए? सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, यानी जो अपना सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है? निष्क्रिय परिकोष्ठ, चैवन वाल्व, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस या लघु महाधमनी? तो मरमर निम्नलिखित में किसके कारण होती है, जल्दी से बताइए। यह होती है चैवन वाल्व के कारण, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, एक्यू पंचर क्या है? हृदय रोग, ट्यूब और टायर की सफाई, सुई के माध्यम से उपचार विधि, एक उपद संवर्धन? तो एक्यू पंचर अपन किसे कहते हैं, वह कहा जाता है सुई के माध्यम से जो उपचार विधि होती है उसे एक्यू पंचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल की फुफ्फुसाहट या मरमर से क्या पता चलता है? ऑप्शन फर्स्ट, दोषपूर्ण कपाट यानी वाल्व, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन या मांसपेशियों का अनियमित विकास? तो चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, दिल की फुफ्फुसाहट से अपने दोषपूर्ण कपाट या वाल्व का पता चलता है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? संधिशोथ, गाउट, गठिया या दमा? तो इनमें से कौन सा रोग होता है, इनमें होता है गाउट जो रोग होता है वह होता है सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, सभी धमनियां संकुचित हो जाती है,
सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है या आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। तो मेरे ख्याल से साइंस बायो के स्टूडेंट ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सभी धमनियां क्या हो जाती है इसमें? संकुचित हो जाती है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 177। हीमोफीलिया का संबंध प्राय किसके साथ में होता है? ऑप्शन फर्स्ट श्रमिक, सेकेंड राज परिवार, थर्ड खनिज और चौथा दीर्घकाय खिलाड़ियों के साथ। तो अपने को पता है हीमोफीलिया एक शाही बीमारी है, यानी कि इंग्लैंड की जो विक्टोरिया महारानी थी उससे चली हुई है, तो शाही परिवार से है, तो राज परिवार से संबंध है, भी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय का कार्य क्या होता है? उत्को को ऑक्सीजन पहुंचाना, उत्को से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना, या रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना। तो क्या कार्य माना जाता है हृदय का, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बताया, डी ऑप्शन, रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करने का कार्य किसका होता है? हार्ट या हृदय का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हीमोफीलिया होता है क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कार्बनिक यानी जैविकार, सेकेंड उपापचय विकार, आनुवंशिक विकार या हार्मोन का विकार। हीमोफीलिया क्या होता है जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। हीमोफीलिया किसे कहते हैं? आनुवंशिक विकार को कहते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या एल्बुमिन। तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला जो प्रोटीन होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 181। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु या जीवद्रव्य प्लाज्मा। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश कर जाता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करेगा? बिल्कुल सही बताया, वह करता है डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और वियोक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? मत्स्य, उभयचर, पक्षी और स्तनधारी। इनमें से बताइए अपने कौन सा सही होगा। तो जो उभयचर होते हैं ना, उनके अंदर अपन मानते हैं कि ऑक्सीजनित और वियोक्सीजनित रुधिर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। बी ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4, 3, 2 या 1। मानव हृदय में जो वाल्व की जो संख्या होती है ना, वह कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है, यह किस वर्ग से संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट्स, पेप्टाइड्स, पोलीहाइड्राइक, हाइड्रिक एल्कोहल या एल्केलॉइड्स। तो किससे संबंधित है यह पेप्टाइड से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से होता है? यकृत, वृषण, अग्नाशय या अधिवृक्क। तो किसका सह संबंध रक्तचाप से है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। वेरी गुड, जो अधिवृक्क होते हैं, एड्रिनल ग्रंथि जिसे करो या मरो ग्रंथि कहते हैं, उसका संबंध अपन मानते हैं रक्तचाप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट कैंसर जन, कार्सिनोजन, पुंजन एंड्रोजन, थर्ड प्रतिजन एंटीजन या ऑस्ट्रोजन, क्या कहते हैं उन्हें? तो उन्हें कहा जाता है मुख्य रूप से प्रतिजन या एंटीजन के नाम से जानेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 187। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद रहता है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम या पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है, जल्दी से बताइए। तो वह होता है लोहा या आयरन तत्व उपस्थित होता है। नेक्स्ट, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग कैसा होगा? काफी अच्छा शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैं एक तो आपको बात बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने नहीं आते हैं तो मैंने इस पर एक शानदार वीडियो बना रखा है ब्लड ग्रुप ज्ञात करने का, जो आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो उसमें आपको बताया कि इस प्रकार से आप ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, उसमें ब्लड की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। अब देखिए आगे, इसमें चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ए या बी, ए बी या ओ, ए ए बी ओ या ए बी या ए बी ओ, कौन सा होगा इनमें से, जल्दी से बताइए। तो
तो इसमें होगा ए और बी, अपन कह सकते हैं ब्लड ग्रुप है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 89, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, कैल्शियम, जिंक, सोडियम और लोहा। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु अपने को पता है कौन सी है इनमें से, लोहा यानी आयरन Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सफल वृक्षारोपण किसने किया था, डी एस पेंटल, सी एन बनार्ड, डी सेटी और पी के सेन ने। तो ये कार्य किसने किया था, सी एन बनार्ड ने किया था, बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 91 देखे, निम्न में से मनुष्य में श्वसन रंजक कौन सा है, हेमोसाइनिन, हेमोइरिथ्रिन, बीटा कैरोटीन और हीमोग्लोबिन। तो इनमें से कौन सा होगा, हीमोग्लोबिन जो है वह सही होगा। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, मस्तिष्क, हृदय, फुफ्फुस या वृक्क। तो ईसीजी जो होता है वह अपन देखते हैं कि जो हृदय होता है उसकी गतिविधि को दर्शाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त क्लोटिंग नहीं होता है, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, हिपेरिन या प्रोथ्रोम्बिन, जल्दी से बताइए। तो अपन देखते हैं अपने बॉडी के अंदर जो हिपेरिन पाया जाता है ना, उसकी उपस्थिति के कारण ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, यानी शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमता है, और जैसे ही शरीर से बाहर ब्लड आता है तो क्लोटिंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण क्लोटिंग, तो ये हिपेरिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में लोह की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, अरक्तता, रतौंधी, स्कर्वी या रिकेट्स। तो लोह की कमी के जो परिणाम होते हैं लोह तत्व की, वह क्या होते हैं, अरक्तता। इसे अपन क्या कहते हैं, एनीमिया रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 195, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, सार्वत्रिक दाता यानी जो सबको ब्लड दे सके, कौन होते हैं, ए बी ओ या ए बी। तो सार्वत्रिक दाता कौन होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वह सार्वत्रिक दाता होते हैं, और ओ में भी कौन से होते हैं, ओ नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन फर्स्ट, हृदय की भित्ति, सिराओं की भित्ति, धमनी की भित्ति या कोशिकाओं की भित्ति। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से बताइए। तो अपने को पता है धमनियों की भित्ति पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। तो सी ऑप्शन धमनी की भित्ति सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 197, ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है, रुधिर वर्ग किसका है, ए बी है। तो ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यानी वह सबसे ले सकता है, और ए बी में भी कौन सा होता है, ए बी जो पॉजिटिव होता है वह सर्वग्राही होता है। तो देखिए वह किसका लेगा, केवल ए बी का भी ले सकता है, केवल ए का भी ले सकता है, केवल बी का भी, यानी सबका ले सकता है। तो कोई भी रुधिर वर्ग अपन कह सकते हैं उसका वह ब्लड ले सकता है, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका कौन सी है, वृक्क धमनी, यकृत धमनी, फुफ्फुसीय धमनी या ग्रीवा या धमनी। तो इनमें से कौन सी होगी, जल्दी से बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही बताया आपने, उसे कहते हैं वृक्क धमनी, जो गुर्दे को रक्त पूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 199, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी, हिमेटोलॉजी या हेपेटोलॉजी। तो उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए, हृदय और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी में, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, 45, 50, 55 और 60। तो कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा होता है 55%, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित, आशा करता हूँ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे आपको, और आपकी जो राय होगी वह तो हमें जब आप लाइक करोगे तब पता चलेगा कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं। तो अगर अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेन बात क्या है दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जितने भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट सबके पास शेयर कीजिए। और भी आपको वीडियो से संबंधित, चैनल से संबंधित कि किसी भी प्रकार का सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए अभी सभी भाई बहनों का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।